नमस्कार साथियों, मैं अमन पिलानिया आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो साथियों, अभी हम आए हुए हैं टिकरी बॉर्डर का जो धरना चला हुआ है, तो उस धरने का जो बहादुरगढ़ बाईपास पर ट्रैक्टर ट्रॉली है, तो हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे किसानों ने अपना परमानेंट समर्सिबल लगा दिया है। तो हम यहाँ पर जानेंगे कि क्या वजह है जो, या पानी की समस्या या कोई और कारण है जो इन्होंने समर्सिबल यहाँ पर लगाया है। तो नमस्कार सरदार जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। तो ये जो समर्सिबल आपने यहाँ पर लगाया है, या पानी की समस्या है इसलिए लगाया या वैसे लगाया आपने, क्या कारण है? पानी की समस्या जी। अच्छा, पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा? पीने के लिए। अच्छा, बरतने के लिए पानी को, पीने के लिए पानी कोई। अच्छा, इस पर कितना खर्चा आ जाएगा आप ये लगा रहे हो? खर्चा ये तकरीबन मिल रहा है 1.5 लाख पौने 2 लाख रुपया। अच्छा, 1.5 लाख आ जाएगा। हाँ जी। अच्छा, इस पर जैसे चलाओगे कहाँ पे ये समर्सिबल? जनरेटर से इसी से चलाओगे या कोई लाइट का प्रबंध करवाओगे यहाँ कहीं से? लाइट का प्रबंध करवाएंगे। अच्छा, लाइट का प्रबंध करवाओगे 24 घंटे जी। अच्छा जी, आप कहाँ से हो? पंजाब से जी। जिला फरीदकोट पेंटी मावाली है जी। मेरा नाम बोर सिंह है, बोर सिंह देओल जी। तो साथियों, आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने परमानेंट समर्सिबल लगा दिया है, क्योंकि यहाँ पर पीने के लिए जो पानी नहीं मिल पा रहा है किसानों को। तो आप देख सकते हैं टिकरी बॉर्डर का जो धरना चला हुआ है बहादुरगढ़ बाईपास पर। पोल नंबर कौन सा है यहाँ पे? 284 पोल नंबर पर आप देख सकते हैं इन्होंने परमानेंट अपना समर्सिबल भी लगा दिया है। आप देख सकते हैं जनरेटर है यहाँ पर, यहाँ पे स्टार्टर भी है। तो देखते हैं, तैयारी कर रहे हैं, फुल तैयारी में है किसान यहाँ पर। इन्होंने यहाँ पर परमानेंट अपनी जो झोपड़ी है गर्मियों को देखते हुए कूलर, एसी, फ्रिज यहाँ पर सब प्रबंध कर दिया है लोगों ने। देखो, हम आपको दिखा देंगे यहाँ पर, इन्होंने गर्मी को देखते हुए अपनी परमानेंट झोपड़ी बना दी है। तो उसके साइड में ही समर्सिबल लगा रखा है, आप देख सकते हैं झोपड़ी के साइड में समर्सिबल है। यहाँ पर इन्होंने मच्छरदानी भी लगा दी है इसके अंदर। एक बार इसको अंदर से दिखा दे सर को। देखो कितने अच्छे से इन्होंने बनाया हुआ है गर्मी को देखते हुए। कंप्लीट कर लेंगे हम। क्या जी? मैं कह धीरे सभी कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, धीरे धीरे सब कंप्लीट कर लेंगे। अभी कोई ग्राइंगा नहीं करते जी, कुछ नहीं करते। सारे जिन्ने भी साढ़े बेली है, जिन्ने यार बेली, अभी आपदे सहयोग ना कर रहे हैं, ना किसी तंग करते हैं, ना कोई भी। जिन्हों भी लोड़ है सेवा दी अं खड़ा, जिन्ना टाइम चलूगा धरना उन्ना टाइम ही खड़ा। 3 महीने हो गए जी। पहला आपने जो ये समर्सिबल लगाया है, इसका पानी अच्छा है या खराब है, मीठा खारा कुछ क्या है इसका मतलब? वो जी बोतल भरी हुई है, वो चेक करा के ले आवांगे। अच्छा, हाँ जी, उदू बाद दसांगे, उदू बाद कल नू तो थोनू दिखा दा। फिल्टर लगाओगे? आरओ का प्रबंध है। अच्छा, ठीक है। जब ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, सरकार जब किसानों की मांग को मान लेगी, तब ये समर्सिबल ऐसे ही लगा रहेगा? देखेंगे, लोगों की सेवा के लिए छोड़ जाएंगे। छोड़ेंगे पक्का यहाँ पे, पक्का ही रहेगा। अच्छा, हमने कोई पटना नहीं है नू। तो साथियों, किसान यहाँ पे, किसान कह रहे हैं जो ये समर्सिबल लगाया है, अगर सरकार किसानों की मांग को मान लेती है, मोदी को दे देंगे, उसको बहुत घाटा, वो बहुत शर्माएदार हो जाएगा, उन्हें पानी पिलाएंगे, नहा देंगे, इसलिए शर्म होनी चाहिए। सरदार जी, समर्सिबल को भी मोदी जी बेच दे डालेंगे तो लुट के खा गया हो, फिर ऐसी केस करेंगे। सारा मुल्क लुट के खा गया, साढ़े NRI भाई भरा सानू सहयोग दे रहे हैं, ये सानू सवाल पूछ रहा, ये किवें पूछ रहा है? सरदार जी, मोदी जी ने रेल बेच की मतलब पूछना, मोदी जी ने सानू दसे भी है साडे कोले की है, असि किवें कमाया। सरदार जी, मोदी जी ने रेल बेच दी, जहाज बेच दी, आप समर्सिबल मोदी जी को दे दोगे तो इसको भी बेच देंगे? मोदी जी को भुखा जी दे देंगे, कोई माड़ा मोटा जात नहीं, हम खेत नहीं जाने देंगे। खेत नहीं जाने देंगे, धन्यवाद। शर्म देने इसको, धन्यवाद, शर्म देने जी। हाँ जी। तो साथियों, किसानों ने यहाँ पर पोल नंबर 284 पर इन्होंने अपना परमानेंट समर्सिबल लगा दिया है। पानी को समस्या के देखते हुए इन्होंने यहाँ पर समर्सिबल लगाया हुआ है। तो साथियों, अगर सरकार किसानों की मांग मान जाती है, तो ये समर्सिबल समाज सेवा के लिए जो आ रहे हैं समाज सेवा में, जैसे कि आने जाने वालों के लिए, इस समर्सिबल को यहीं पर छोड़ दिया जाएगा। अपने किसान भाई कह रहे हैं इस समर्सिबल को मोदी जी को गिफ्ट कर देंगे। तो साथियों, किसानों से रिलेटेड, किसानों से जुड़ी हुई ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, अगर यह वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना न भूलें। धन्यवाद।